हेलो दोस्तों, जनरली ये कन्फ्यूजन रहता है कि आर्म्ड फोर्सेस में कैरियर किस तरीके से होगा और बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होती है। ठीक है, तो डिफेंस फोर्सेस की तरफ से आज मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ, करियर विद आर्म्ड फोर्सेस का। ये एक लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी होती है एंड आई विल एक्सप्लेन कि ये किस तरीके से लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी होती है। जनरली बहुत कन्फ्यूजन होता है कि 10+2 के बाद क्या किया जाए। अब रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो 10+2 यानी कि 12th के बाद कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है जो आपको डायरेक्ट एडमिशन देना। तो बॉटम लाइन ये है कि 12th के बाद आपको एंट्रेंस तो देना ही है। नाउ देयर आर टू वेज कि आप 10+2 के बाद आप या तो आप सीधे सीधे अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करें, या फिर आप अपने करियर के लिए प्रिपेयर करें, या कुछ ऐसा भी हो सकता है जो करियर और कॉलेज दोनों के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प करे। तो वही ऑप्शन मैं आपके पास लेकर के आया हूँ। ये सारा का सारा कन्फ्यूजन आपका इस वीडियो के एंड में क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली जो अपॉर्चुनिटी होती है वो होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी की, और ये अर्लीएस्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी है किसी भी बच्चे के लिए। पहले सिर्फ ये बॉयज़ के लिए था, बट अब ये गर्ल्स के लिए भी अलाउ कर दिया गया है। तो ये हर बच्चा जो 11th एंड 12th में है उसके लिए, अगर अपना कैरियर सिक्योर करना है, फाइनेंशियली सिक्योर करना है, अपना लाइफ सिक्योर करना है किसी भी तरीके से, जॉब को लेकर के, करियर को लेकर के, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है NDA एंड NA का, साल में 2 बार होता है, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है। देखिए, इसकी एकेडमी जैसे कि IIT अलग अलग जगह पे एस्टेब्लिश्ड है, इसी तरीके से NDA जो है वो खड़गवासला पुणे पे लोकेटेड है। ओके, ये ट्राई सर्विस एकेडमी है, मतलब कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों का कंबाइन जो सर्विस जो कंबाइन ट्रेनिंग होता है वो इनिशियल ट्रेनिंग कंबाइन होता है, और इस एकेडमी में तीनों सर्विसेज के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो एक साथ ट्रेनिंग लेते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं ज्वाइंट सर्विसेज एकेडमी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लास फर्स्ट ऑफिसर इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, दोनों बच्चों के लिए, मतलब लड़कियों के लिए भी और लड़के के लिए भी। ये जैसा कि मैंने बताया, ये एग्जाम जो होता है साल में 2 बार होता है, और अप्रैल और सितंबर में इसको कंडक्ट किया जाता है। अभी 3rd of September को ये NDA का जो पेपर है वो कंडक्ट किया गया है। अब तो साथ साथ CDS का भी पेपर जो है वो कंडक्ट कर लेते हैं। चलिए मैं बता दूं CDS और NDA में डिफरेंस क्या है। NDA में जब आप एडमिशन लेते हैं या NDA की प्रिपरेशन करते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी 10+2 की होती है, और उसमें जो है आपको पहले ग्रेजुएशन कराया जाता है, फिर आपके रिस्पेक्टिव सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी या एयरफोर्स जो भी है उसको उसकी ट्रेनिंग मिलती है। क्योंकि 3 साल का ग्रेजुएशन आप कर चुके होते हैं ऑलरेडी, तो CDS का जो एग्ज़ाम होता है वो ग्रेजुएशन बेस्ड होता है, और आप ग्रेजुएट हैं तो इसमें 1.5 ईयर की डायरेक्ट ट्रेनिंग होती है। ये मेजर डिफरेंस होता है। आगे बढ़ते हैं, इसी को क्यों चूज किया जाए। जैसा कि मैंने बताया, इट इज़ एन एम्प्लॉयमेंट एंड नॉट ओनली एडमिशन टू कॉलेज लाइक IIT। NDA का एंट्रेंस का प्रिपरेशन आज के डेट में आपके CUET के एंट्रेंस को भी कवर कर लेगा। सबसे बड़ी चीज़ है, CUET का एंट्रेंस आपका NDA में कवर हो जाएगा, लेकिन CUET में NDA कवर नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। ओके, तो इसमें अगर NDA का एंट्रेंस आप क्लियर करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलेज नहीं बल्कि आपको जॉब भी मिलेगी। ठीक है, दूसरी चीज, एवरीवन 10+2 के बाद आपको कहीं ना कहीं तो कॉलेज के लिए आपको एडमिशन लेना ही है। अब जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो अपना JEE देते हैं, जो मेडिकल वाले हैं नीट देते हैं, तो जिनको भी गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है वो आप लोग इस ऑप्शन को जो है वो चूज कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही है। दो चीज़ें हैं, अगर आप नॉर्मली कॉलेज करते हैं तो 5 साल के बाद आप कहाँ होंगे, और NDA की तरफ से जाते हैं तो 5 साल के बाद आप कहाँ होंगे। आप इनको इन दोनों दोनों सिचुएशन को देखिए। अगर आप नॉर्मली कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज का 3 साल का खर्चा, आपका खर्चा, उसके बाद में फिर आपको कहीं ना कहीं जॉब के लिए लगना पड़ेगा। हर किसी को तो लाखों का पैकेज मिलता नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको फिर ग्रेजुएशन के बाद जो है वो आपको जाकर के, यानी कि कॉलेज के बाद आपको एंट्रेंस देना है। अब अगर आप 10+2 के बाद NDA के एंट्रेंस की बात करें तो यही एक ही एंट्रेंस जो है वो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी दिलाएगा, आपको परमानेंट जॉब भी दिलाएगा,
आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो आपको पैसे भी मिलेंगे, प्लस कॉलेज का खर्चा, आपका एक्सपेंसेस जो है नॉर्मली वो सब कुछ गवर्नमेंट उठाती है। तो एक साल एक साइड है एनडीए की तरफ, 5 साल के बाद परमानेंट जॉब है, 10-15 लाख रुपए हैं और उसके साथ आपके पास डिग्री है। दूसरी साइड में आपके पास डिग्री तो मिलेगी बट कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, जॉब के लिए फिर आपको एंट्रेंस देना है, प्लस कोई पैसा नहीं है और किसी तरीके की सिक्योरिटी नहीं है, और 3 सालों में तमाम पैसे जो हैं आपके खर्च भी होंगे। मैं ये नहीं कह रहा सबको ये करना चाहिए, लेकिन हाँ जिसका भी पैसन है उसको ये जरूर करना चाहिए, और जिसका कोई भी पैसन नहीं है और जिसको चूज करना है उसको ये ऑप्शन जरूर कंसिडर करना चाहिए। जनरली अगर कोई बच्चा आईआईटी वगैरह की तैयारी करता है तो 4 साल में मतलब 20 लाख के करीब और टेम्परेरी जॉब मिलता है, एनडीए क्लियर करेंगे तो आप आराम से परमानेंट जॉब मिलेगी आपको। पैसा सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि आपकी जॉब की सिक्योरिटी मिलती है। इकलौता ऐसा एग्ज़ाम है जो सिर्फ एंट्रेंस कॉलेज के लिए नहीं, आपके जॉब के लिए है, ठीक है। एक ही दिन में दो पेपर होता है, डिफिकल्टी इज मच लोअर बट कंपटीशन इतना होता है, लोगों को जिनको आइडिया है वो इतना कम्पीट करते हैं इसमें कि कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ओके चलिए मैं बता दूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया ये कुछ सैलरी वगैरह का डिस्कशन है कि किस तरीके से अप्रोक्सीमेटली आपको ट्रेनिंग में जो है वो 60,000 के अराउंड मिलता है। और जैसा मैंने आपको बताया ठीक है कि एक कंफ्यूजन होता है कि आखिर साइंस वाले ही एलिजिबल होते हैं क्या, ये नोटिफिकेशन उन्हीं के लिए लेकर के आया हूँ मैं। जो आर्मी के कैंडिडेट्स होते हैं, आर्मी के कैडेट्स होते हैं मतलब जिनका भी पहला चॉइस इंडियन आर्मी है, उनको बीएससी और बीएससी नॉर्मल या बीएससी कंप्यूटर साइंसेस बीए ये कुछ भी कर सकते हैं वो। नेवी वालों को बीटेक की डिग्री मिलती है, एयरफोर्स वालों को भी बीटेक बीएससी और बीएससी कंप्यूटर साइंसेस की डिग्री मिलती है। अब आप सोचिए कि आपको बीटेक की डिग्री के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा 10+2 के बाद अगर आप एनडीए से नहीं जा रहे हैं तो, ठीक है। पे स्केल दिया हुआ है ठीक है, तो ऑफिसर्स रैंक है, पे स्केल अच्छा खासा मिलता है। ओके ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको जो है वो मैं आपको बताऊं, 3 साल तो आपका ग्रेजुएशन कराएंगे, ये डिसिप्लिन की डिसिप्लिन एंड ग्रेजुएशन ये दो चीज़ों की ट्रेनिंग होगी पुणे में। उसके बाद में जब आप पास आउट करेंगे पुणे से तो वहाँ फिर आप जाएंगे अपने रिस्पेक्टिव सर्विसेज में। मान लेते हैं कि आपका चॉइस एयरफोर्स है तो आप चले जाएंगे बैंगलोर, आपका चॉइस आर्मी है तो आप आ जाएंगे देहरादून। और ये जो देहरादून और बैंगलोर वाले जो कैंडिडेट हैं और जो भी रिस्पेक्टिव सर्विसेज में जब ट्रेनिंग लेंगे 3 ईयर्स के बाद, 1.5 ईयर्स की, उसमें आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ये पैसा इकट्ठा होगा आपके अकाउंट में जब आप पास आउट करेंगे, अंतिम पक जब आपका पास आउट हो जाएगा तब जाकर के ये आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा जैसे आप ज्वाइन करेंगे। ओके चलिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज की अगर मैं बात करूं तो 16.5 से 19.5 होता है। यहाँ बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है और हम लोगों का वीडियो भी है एक कि किस तरीके से एज कैलकुलेट करते हैं, मैं लिंक ऐड कर दूंगा उसको आप देख लीजिएगा। अब मान लेते हैं कि आज आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज है 7 सितंबर 2023। अब अप्रैल वाले एग्ज़ाम जो होने वाला है 2024 में, उसका नोटिफिकेशन निकलेगा दिसंबर में, ठीक। एग्ज़ाम होगा अप्रैल में और उस बैच की ज्वाइनिंग होगी जनवरी 2025 में। तो आप ये मत देखना कि आपकी एज जो है फॉर्म भरने के टाइम पे यानी कि नेक्स्ट ईयर जनवरी में कितनी होगी, नो। आपकी एज 16 एंड 19 एंड हाफ इसके बीच में होना चाहिए जब आप 2025 में ज्वाइन करेंगे एनडीए। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम्पल उसी के लिए दिया गया है। कुछ एलिजिबिलिटीज है कि अप्रैल 2023 और इसमें किस तरीके से होगा, ठीक है। और एजुकेशन की बात करें तो सभी स्ट्रीम वाले बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक है। देखिए स्ट्रीम्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके आगे जा करके और सब्जेक्ट चूज करने के लिए देखा जाता है। अब एयरफोर्स जो है वो टेक्निकल पार्ट है, एयरफोर्स में टेक्निकल काम होता है तो इसलिए साइंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो एयरफोर्स के लिए साइंस में फिजिक्स का होना जरूरी है। आर्मी के लिए किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, ये इसका पेपर बिल्कुल जनरल होता है, वो आराम से इसको दे सकते हैं। नेवी और एयरफोर्स के लिए जो है वो रिक्वायर्ड होता है। और सबसे ज़रूरी चीज़, इसमें कोई भी परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं होता है, जस्ट आपको पास होना है। चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में
पास होना जरूरी है, कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी चीज़ हाइट और आई साइट को लेकर के होता है, तो आई साइट को मैं बता दूँ, चश्मा इसमें बिल्कुल अलाउड है बट विद लिमिट ऑफ प्लस एंड माइनस 2.5 करेक्टेड, ये जनरल है। और आर्मी एंड सॉरी एयरफोर्स और नेवी अगर आपका चॉइस है तो उसमें माइनस 7.5 एंड प्लस 1.5 ही अलाउड होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं होगा। दूसरी चीज़ अगर मैं हाइट की बात करूँ तो मेल 157 सेंटीमीटर और जो फीमेल्स हैं, चूँकि गर्ल्स आर अलाउड, तो 152 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए, ये नॉन फ्लाइंग के लिए, ठीक है। फ्लाइंग के लिए 163 सेंटीमीटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप, ये नोटिफिकेशन में भी इजीली अवेलेबल होता है, वहीं से हमने भी लिया है तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पेपर होता कैसा है। तो पेपर देखो, एक दिन में पेपर होता है, यूपीएससी इसको कंडक्ट करती है। मॉर्निंग सेशन में पेपर वन मैथ्स होता है, इवनिंग सेशन में पेपर टू जीएटी होता है। जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसमें कंबाइन होता है इंग्लिश और जीएस दोनों। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज करूँ तो मैथ्स 300 का होता है और 400 का जनरल स्टडीज होता है और 200 का इंग्लिश होता है। तो किसी को लगे कि सिर्फ मैथ से पास हो जाए तो नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है, 4 सालों के एनडीए के बच्चे को जो पढ़ाते हुए मैंने ये नोटिस किया है कि ज़्यादातर बच्चे वो फेल हो जाते हैं जो एक ही तरीके के सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। एक आध बच्चे होंगे जो जिन्होंने बड़ा डालते होंगे कि सिर्फ साइंस पढ़ लो, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री बायो पढ़ लो, पास हो जाओगे, इंग्लिश जनरली हो ही जाता है, तुक्के में हो गए तो हो गए बट जनरली नहीं होता है, ठीक है। तो अब आप डिसाइड करिए कि आपको तुक्का लगा के देखना है या आपको किस तरीके से इस चीज़ को कवर करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ओके। नेक्स्ट देखिए, मैं बता दूँ, पेपर वन मैथ्स होता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है, ये सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक होता है। 300 मार्क्स होते हैं और 120 क्वेश्चन होता है, पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स होता है। इस हिसाब से भी देखा जाए तो जीएटी के ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। कारण ये है, जीएटी में एक क्वेश्चन सही हुआ तो 4 नंबर मिलेंगे, मैथ्स में एक क्वेश्चन सही हुआ तो 2.5 नंबर ही मिलेंगे, तो ये चीज़ है, ओके। पार्ट ए जनरल इंग्लिश होता है, 200 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन होते हैं। पार्ट बी सोशल साइंस एंड साइंस एंड करंट अफेयर्स कंबाइंड होता है, 400 मार्क्स का। उसके बाद जब ये रिजल्ट आ जाता है, इसका 1 से 1.5 महीने में रिटर्न का रिजल्ट आता है, फिर एक और गलती करते हैं बच्चे, वेट करते हैं लेटर का, मतलब कॉल लेटर का। ऐसा कुछ नहीं होता, एवरी प्रोसेस इज ऑनलाइन। आपको खुद जा करके ज्वाइन इंडियन आर्मी .NIC.in पे आपको खुद रजिस्टर करना होता है SSB के लिए, जब भी डेट आ जाती है, ओके। तो 900 का SSB और 900 का जो है वो रिटर्न, और आउट ऑफ 1800 जो है इसका मेरिट बनता है। तो जो मेरिट बनता है उसके ऊपर हम थोड़ी देर में बात करेंगे, पहले बात कर लेते कि SSB में क्या होता है। SSB एक 5 डे का प्रोसेस है, 1+4। पहला दिन जो है वो स्क्रीनिंग होता है जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का टेस्ट होता है। ये सेट दिए जाते हैं, 50 क्वेश्चन का भी सेट हो सकता है, 70 का, 100 का भी हो सकता है। दूसरा होता है PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। पहला तो परसेप्शन, आपका परसेप्शन देखा जाएगा कि आप क्या परसीव करते हैं, ठीक है। दूसरा आपका डिस्कशन में नरेशन चेक किया जाता है कि आप अपनी बात को कह पाते हैं कि नहीं, मतलब ये एक तरीके का छोटा टेस्ट होता है कि हम आपको क्यों ले 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। आप काबिलियत दिखाओ कि हाँ आप बोल सकते हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। अगर ये सब पॉजिटिव मिलता है तो फिर उनको OIR के थ्रू इन कर देते हैं। PPDT में यस नो और डाउटफुल केस होता है और इसमें रैंकिंग होती है 1 to 5। बेसिकली ये चेक किया जाता है रीजनिंग के थ्रू कि आपका जो फिजिकल एज है वो आपके मेंटल एज से मैच करता है कि नहीं करता। मतलब आपका एज अगर 17 ईयर्स है तो उसी हिसाब से आपका ब्रेन भी 17 ईयर्स के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। बाकी के 2 से 5 दिन में अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं। कुछ ग्राउंड पे टेस्ट होता है, कुछ साइकोलॉजी टेस्ट होता है, वेट, SRT, टेट, ये सब साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ग्रुप टास्क, ठीक है, फाइनल ग्रुप टास्क, इंडिविजुअल टास्क, मिलिट्री प्लानिंग, ये सब एक्सरसाइजेज जो होते हैं वो आपको ग्राउंड में कराए जाते हैं। यहाँ भी आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी बच्चा ग्राउंड में कोई एक्टिविटी नहीं कर पाने की वजह से बाहर नहीं निकाला जाता है। हाँ, ग्राउंड में एक्टिविटी करने का उसका अप्रोच जरूर गलत होता है, ठीक है, वो इस वजह से जरूर बाहर निकाला जा सकता है। लास्ट में कॉन्फ्रेंस एंड इंटरव्यू होता है,
और वहां पे पता लग जाता है कि किसका एसएसबी क्लियर हुआ है, किसका नहीं हुआ है। नाउ कमिंग बैक टू कि कितना रिटर्न में, मतलब अब तक जो कट ऑफ गई है वो, और कितने फाइनल में, तो आप रिटर्न का कट ऑफ देखोगे अगर, ठीक है, तो 2017 से लेकर के और ये 21 तक का है, 12 से लेकर के और 16 तक इस कॉलम में दिया है। दोनों में देखो आप मैक्सिमम, यहाँ पे आप देखिए 280, 306, 360, ठीक है, 355, 360 से अबव नहीं गया है रिटर्न, ठीक है। उसके बाद में अगर फाइनल की देखोगे तो फाइनल में कहीं भी आपको 800 नहीं दिखेगा। आप खुद सोचो कि 1800 का 50% होता है 900, और 900 से भी 100 कम कर दो तो 800, उतना भी कट ऑफ नहीं गया है। इसी तरीके से 900 का 50% होता है 450, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका फाइनल कट ऑफ जो होता है वो 50% भी नहीं जाता है। तो आप खुद सोचो कि कितनी मेहनत करनी है आपको, 50% आप लेकर के आओ बस, और कुछ नहीं चाहिए इसमें, कहीं नहीं गया आपका सिलेक्शन। वैसे इंडिविजुअली यानी कि पेपर वन में 25% आने चाहिए, यानी कि 300 नंबर का मैथ्स होता है, तो 75 मार्क्स आने जरूरी है। 75 लाने के लिए 50 से 55 के बीच में अगर आप क्वेश्चन करते हैं तभी वो अचीव कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाता है, ठीक है। क्योंकि ये पेपर ऐसा होता है कि 100% एक्यूरेसी कोई स्टूडेंट नहीं अचीव कर सकता, और 30 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो 75 बनता है। हो ही नहीं सकता कि 30 क्वेश्चन करें और 30 के 30 सही हो जाए, नॉट पॉसिबल। दो फैक्टर हैं, पहले तो आप स्टूडेंट होते हैं 10+2 के, इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं, आप कितने भी बड़े इंटेलिजेंट हो नहीं कर पाएंगे। एक्यूरेसी यूपीएससी के पेपर में 100% कभी नहीं हो सकती, इसलिए इसका मैंने कई बार वीडियो क्लासेस में भी डिस्कस किया है कि 55 या 50 के बीच में क्यों होना चाहिए, ठीक है। उसका भी लिंक मैं दिल लगा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो ये रही बात कट ऑफ की। अब बात करते हैं कि इसको पर्टिकुलरली इसके क्या खासियत है। तो सबसे पहली चीज, ये जॉब अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ कॉलेज में एंट्री नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, आपके घर का पैसा बहुत कम लगेगा इसमें, जो भी पैसा लगेगा आपको बस प्रिपरेशन के टाइम पे ही लगेगा, उसके अलावा सारा का सारा खर्चा गवर्नमेंट बियर करेगी। दूसरी चीज, अगली चीज, एक सिक्योर्ड कैरियर है। कभी भी ये मत बोलना कि मेरे को तो देश की सेवा के लिए जाना है, देश की सेवा अपनी जगह पे है, वो तो हम नहीं, क्रिमिनल नहीं बन के भी देश की सेवा करते हैं, अच्छा काम करके भी देश की सेवा करते हैं, ठीक है, किसी दूसरे सिटीजन बुजुर्ग की हेल्प करके भी हम देश की सेवा करते हैं। तो ये फिलोसफिकल चीजें नहीं चलेंगी, प्रैक्टिकल चीज करो, प्रैक्टिकल बात बताओ। देखो, एनडीए में सिलेक्शन होने का मतलब परमानेंट जॉब है, फर्स्ट क्लास ऑफिसर है, रेपुटेटेड जॉब है इंडिया, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी की भी, इसमें इन तीनों विंग्स में जॉब करने का मतलब ये है कि आपकी सैलरी कभी रुकेगी नहीं, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस कवर्ड है, आपके राशन पानी कवर्ड है, आपको घूमना फिरना वो भी कवर्ड है, आपके पेरेंट्स जो इमीडिएट ब्लड रिलेशन होते हैं उनके भी खर्चे कवर्ड है मेडिकल एक्सपेंसेस के, कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है, फैमिली आप कहीं भी ड्यूटी पे रहो, सरकारी क्वार्टर के अंदर सबसे सिक्योर्ड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये इंडिया के, तो ये सारी चीजें बेनिफिट जो है इसके अंदर आपको मिलेगी। आप इससे रिटायर होकर के किसी भी प्राइवेट जॉब में जाओगे तो इंटरव्यू नहीं लेंगे, लेकिन आप बड़े से बड़े पोस्ट से प्राइवेट टू प्राइवेट आप स्विच करोगे तो आपका एक बार इंटरव्यू जरूर लिया जाएगा, ये इसकी खास बात है। देर इज नो सेकेंड वे, मतलब आर्मी से रिटायर होके, आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर होके आप इजिली प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर से रिटायर होके आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं आ सकते हो। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि आपको जो लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा, उन प्लेसेस पे आपको काम करने का मौका मिलेगा जहाँ पे कॉमन मैन कभी नहीं पहुँच सकता है, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस डिफरेंट है, जो आपकी डिग्री होगी ग्रेजुएशन की, बीटेक की, वो सब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी जेएनयू से आपको वो डिग्री मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पे फैसिलिटी में मिलेगी। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आपके जो भी क्वेश्चंस है अब इससे रिलेटेड वो आप हमसे पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं मिड ऑफ द सितंबर। वैसे तो हर महीने बैच हमारा स्टार्ट होता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। खासियत क्या है मैं कुछ पॉइंट्स में बता देता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है,
हम रेगुलर 2 से 3 सब्जेक्ट की क्लास लेते हैं, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस होती हैं और सैटरडे हमारा मॉर्निंग में ग्राउंड पे हम जाते हैं, फिर वापस से एकेडमी आ करके और जीडी लेक्चरेट ये सारी एक्सरसाइजेज हम एसएसबी की करते हैं। यहाँ पे जो भी कोर्स में आप एडमिशन लेंगे रिटर्न एसएसबी उसके साथ इंक्लूडेड है, चाहे 3 महीने के लिए लेंगे तो 3 महीने की एसएसबी, 6 महीने के लिए लेंगे तो 6 महीने की एसएसबी, और 1 साल के लिए लेते हैं तो 1 साल की एसएसबी। प्लस फर्स्ट मंथ ऑफ ज्वाइनिंग में आपका कोई मॉक टेस्ट नहीं होगा, उसके बाद में आपके अगले महीने से मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। 3 महीने के कोर्स में 2 बार, 6 महीने के कोर्स में 5 बार और साल भर के कोर्स में 11 बार आप मॉक देंगे, यानी कि 1 साल में आप 25 मॉक टेस्ट तक अपियर कर लेंगे। कोर्स कंप्लीट होने के बाद हर बैच में रिवीजन होगा, हर टेस्ट का रिकॉर्ड होगा प्रॉपर, मतलब क्या ही बताऊं, स्कूल के ही बच्चे हो आप लोग, ठीक है, तो एक प्रॉपर जो है जैसे रिजल्ट कार्ड होता है ना वैसा हमारा बनाया हुआ फॉर्मेट है। आपको वीकली रीडिंग असाइनमेंट दिया जाएगा जिसके आगे एक कॉलम है पेरेंट्स के सिग्नेचर का, गार्जियन के सिग्नेचर का, आप वो भी अपीयर वो भी कराएंगे कि हाँ मैंने अपनी तरफ से ये जिम्मेदारी फुलफिल कर ली है, ये पढ़ लिया है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन करने के लिए नहीं है कि आप पढ़ते नहीं हैं या आप पढ़िए इसको, ये इसलिए भी है कि आपको एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके अंदर डेवलप की जा सके कि हाँ मुझे ये कवर करना है, मुझे भी ये चीज़ें पढ़नी है, सिर्फ एकेडमी जा करके ही सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मॉक टेस्ट होंगे, करेक्ट इनकरेक्ट हर तरीके का उसमें कॉलम बना है, जब जब होगा आप उसको फिल करेंगे और उसमें भी आप पेरेंट्स के और टीचर के दोनों के ही सिग्नेचर होंगे। कोर्स कवर होने के बाद इंडिविजुअल सब्जेक्ट टेस्ट होंगे, तो 13 सब्जेक्ट मतलब करंट अफेयर्स वगैरह मिला करके वो टेस्ट होगा। तो ये इतनी सारी एक 3 महीने के कोर्स में मैं आपको बताऊं मोर देन 30 टेस्ट, 30 to 50 टेस्ट जो है वो हम लोग कवर कर लेते हैं। 10 तो सिंपली मॉक टेस्ट ही होता है, 13 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो जाएगा, फिर से 10 टेस्ट वो होंगे जो आप सेल्फ स्टडी का करोगे, उसके अलावा बीच बीच में जो टीचर्स है वो लेते हैं वो अलग। आप कहीं भी कंपेयर कर लीजिए इतना टेस्ट, और ये सारे टेस्ट ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से होते हैं, इतना टेस्ट कोई भी नहीं लेगा। मैं बताऊं अपने बच्चों को मैंने 3 सितंबर के पेपर से पहले 5 मतलब ऑल संडे ऑफ अगस्त एंड 2 संडे ऑफ सॉरी आपका क्या बोलते हैं जुलाई, ये कंटिन्यूअसली मैंने मॉक टेस्ट लिया, और मॉक टेस्ट हमारा बिल्कुल यूपीएससी के टाइमिंग पे होता है, यानी कि एनडीए का पेपर 10 बजे से 12:30 बजे तक एकेडमी में भी देंगे और 2 से 4:30 बजे तक एकेडमी में देंगे। तो इस तरीके से है, किसी को भी कोई डाउट हो क्वेश्चन हो तो वो हमसे पूछ सकता है, कोई भी बात हो कमेंट करके आप जरूर पूछिए। थैंक यू, दैट इज ऑल फॉर टुडे।